सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सूही महला पंजवा अब चल नगर गोविंद गुरु का नाम जपत सुख पाया राम मन इच्छे से फल पाए करता आप वसाया राम अब चल नगर गोविंद गुरु का नाम जपत सुख पाया राम मन इच्छे से फल पाए करता आप वसाया राम करता आप वसाया सर्व सुख पाया पुत भाई सिख बिगासे गुण गावहे पूरन परमेश्वर कारज आया रासे प्रभ आप स्वामी आपे रखा आप पिता आप माया कहो नानक सतगुर बलिहारी जिन एहो थान सुहाया प्रभ आप स्वामी आपे रखा आप पिता आप माया कहो नानक सतगुर बलिहारी जिन एहो थान सुहाया वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह सतनाम श्री वाहे गुरु जी एक मन पुरख त्याए बरदाता संत सहार सदा बिख्याता तास चरण ले हृदय बसावो तौ परम गुरु नानक गुण गावो आज जोग तखत दियन गुरु रामदास प्रथमी नानक चंद जगत पयो आनंद तारन मनुख जन कियो परगा गुर अंगद दियो निदान पथ कथा गया पंच भूत बस कीने जमतना
अंतरास गुर अमर गुरु श्री सत कल जुग राखी पत अग्न दिखत गत चरण कमल जास सब विद मन मन तभी पयो परसन राज जोग तखत दियन गुर राम दास सूर सो पहचानिए झोलर दीन के पुरज पुरज कट मरे कबहू न छाड़े खीर जो तो प्रेम खेलन का चाओ फिर तार तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर तरी जय सिर दी जय कानन की जय इत मार्ग पैर तरी जय सिर दी जय कानन की जय तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी विच सज बैठे सत्संगी जनों जी फतेह दी सांझ बख्शिश करो सारे आखिए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज तन तन श्री गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन घर विचों सचखंड श्री हरिमंदर साहब तो जो पावन मुख वाक बख्शिश होया है असी भाई साहब जी दी रसना तो सरवण कीता है। अज बहुत ही पंथ वास्ते दर्दमयी यादगारी दिहाड़ा है जिस दिन सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी विखे बहुत कहर भरिया कलूकारा वापरिया ते गुरु साहब दे प्यारियां ने अपने शरीरां ते हंडाया। पावन मुख वाक दी विचार तो पहला ते गुरु प्यारियां दी याद विच हो रहे गुरमत समागम वास्ते गुरु जी कोलों असीसा लैण वास्ते चित बिरती नूं एकागर करन वास्ते सारी संगत आखिए जी सतनाम श्री वाहिगुरु। एक बार होर आखिए जी सतनाम श्री वाहिगुरु। जदों भी सिख नितनेम करदा है नितनेम तो बाद सिख अरदास करदा है अरदास करदा होया सिख तरला लैके कहिंदा है जिन्ना सिंगा सिंगनियां ने तरन हे सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपड़ियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आर्या नाल चरवाए गए जिन्ना गुरद्वारियां दी सेवा ले कुर्बानियां कीतियां तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। साध संगत मैं एक बेनती करांगा सिख दा जीवन राजनीतिक जीवन बाद विच है
ਇਹਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏ ਸਿੱਖ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਏ ਸਿੱਖ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਇਹ ਸਿੱਖ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਮਰ ਮਿਟਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਟਵਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚੇਗਾ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਗਵਾਚੇਗਾ ਕੀ। ਇੱਕ ਮੁਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮੇਕਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਵਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹੀ, ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੱਕੀ ਗੋੜਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮੇਕਾਲਫ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਤੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮੇਕਾਲਫ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਗੋਡੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰੰਭਾ ਉਹਨੇ ਗੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਦੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਕਾਲਫ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਲੀ ਆ ਨਾ ਟਾਹਲੀ, ਉਸ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਹੇਠ ਮੈਂ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਛੱਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਲ ਛਕਾਇਆ ਮੇਕਾਲਫ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਵੀ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਕਾਲਫ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮਰ ਮਿਟਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਫਤਮ ਕੇ ਜਾਂ ਦੇਹਾਂ ਇਬਜ਼ੇ ਜੱਕ ਨਿਗਾਹੇ ਤੋ, ਹੇ ਬਾਪੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲਾ ਤੂੰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ,
गुफ्तम के जहां दे हम इवजे जाकर निगाहे तो सौदा मैं ये करना चाहता हां कि एक बारी मेरे वाल निगाह भर के तक ले मैं अपना सिर तेरे तो कुर्बान कर दियांगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पवित्र सीस हलाया ना विच हजूर आखन लगे भाई नंद लाला गुफ्ता म्याने मां ओ तो शो सौदा नमे शवेत। नंद लाला ए सौदा मेरे अते तेरे विचकार नहीं हो सकता इन्नी गल कह के उठ के चले गए। भाई नंद लाल जी उदास हो गए। भाई दया सिंह जी आए आखन लगे नंद लाला बड़ा उदास बैठा है की गल है। भाई नंद लाल जी आखन लगे मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज नू कहा सी मैं तेरे नाल सौदा करना चाहना एक बारी निगाह भर के मेरे वाल तक लै मैं तेरे तो अपना सिर कुर्बान कर दियांगा। भाई नंद लाल जी नू गुरु गोबिंद सिंह दे प्यारे भाई दया सिंह जी आखन लगे फिर बापू कलगियां वाले ने की आखिया। भाई नंद लाल जी कहन लगे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ये कह के चले गए नंद लाला ये सौदा मेरे अते तेरे विचकार नहीं हो सकता। भाई दया सिंह जी आखन लगे नंद लाला ये सौदा तेरे विच ते बापू कलगियां वाले दे विचकार हो भी कैसे सकता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज निगाह भर के किसे वाल तक लैन ते उन्हां दी एक तकनी ते एक सिर जिधर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी निगाह भर के तक लैन उथे ते लखां लोग सिर कुर्बान कर दिंदे हन। तू एक सिर दी गल करदा है। साध संगत अज जिस नू तीसरे कल्लूकारे दा नाम दिता गया अज ओ दिहाड़ा है ते बड़ा दुखदाई दिहाड़ा सी उस दिन। मैं बेनती करांगा कि प्रोफेसर पूर्ण सिंह ने एक गल आखी है। प्रोफेसर पूर्ण सिंह जी कहिंदे ने सचखंड हरिमंदर साहब पंजाब दी धरती ते लगी हुई एक रब दी मोर है। हरिमंदर साहब साडा दिल है। हरिमंदर साहब साडी जान है। असी इस हरिमंदर साहब दी एक सिल बदले सारी कुदरत दा राज वी लैण वास्ते तैयार नहीं। सारी कुदरत दे बदले विच असी इहदी एक सिल देण वास्ते वी तैयार नहीं। प्रोफेसर पूर्ण सिंह जी कहिंदे ने इह कोई सुवर्ण मंदर नहीं ये कोई गोल्डन टेंपल नहीं है ये ते गुरबाणी दा मंदर है ये नाम दा मंदर है ये कीर्तन दा मंदर है ये हरि दा मंदर है। गोल्डन टेंपल दा नाम अंग्रेजा ने दिता है ये गोल्डन टेंपल नहीं ये सोने दा मंदर नहीं ये ते हरि दा मंदर है। ये सारी मनुख जाति दे भाईचारक सांझ दी प्रतीक है श्री हरिमंदर साहब जी दी जेड़ी पावन फलासफी है। सारे भाईचारे दी एकता दा प्रतीक है हरिमंदर साहब और जुल्म अते जबर दे विरुद्ध जूझन दा प्रतीक है सचखंड हरिमंदर साहब। याद रखो गुरु के सिखो सब तो पहला हरिमंदर शब्द श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने वरत्या है। श्री राग विच गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने प्रभ हरिमंदर सोहना तिस मैं माणक लाल। इहदा भाव गुरु नानक देव जी महाराज ही इहदा नक्शा उकर के गए सन। गुरु अमरदास महाराज जी ने प्रभाती राग विच 13 वारी हरिमंदर का नाम वरत्या है। गुरु अमरदास महाराज कहिंदे ने हरिमंदर मैं हर वसै सर्ब निरंतर सोए। गुरु अमरदास महाराज कहिंदे ने मनमुख हरिमंदर की सार ना जाननी। जेड़े मनमुख हन वह हरिमंदर की कदर नहीं जानते। जेड़े मनमुख साकत हन वह हरिमंदर की सार नहीं जानते। मनमुख हरिमंदर की सार ना जाननी तिनी जन्म गवाता। जेड़े इहदी सार नहीं जानते वह अपना जन्म बिरथा गवा लेंदे हन। गुरु रामदास जी ने 2 वारी हरिमंदर साहब का नाम वरत्या है। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने 2 वारी हरिमंदर का नाम वरत के
हर जप हर मंदिर साजिया मेरे हर जियो संत भगत गुण गावे राम। साध संगत एक बारी संत हरिदास जी इत्थे आए सचखंड हरिमंदर साहब, उन्हां दा सिख जगत च बड़ा मान सन्मान सी। जदों इनफॉर्मेशन दफ्तर विच गए उन्हां किताब ते ओ शब्द लिखे, संत हरिदास कहिंदे ने मैं ते ए महसूस कीता हरिमंदर साहब आण के पे रब ने तकड़ी फड़ी, तकड़ी दे एक शाबे विच हरिमंदर नूं पाया, दूसरे शाबे विच उन्हें स्वर्ग पा लिया। हरिमंदर और बैकुंठ को तोल लिए हरि हरदास, भारो हो तो सो गिर परयो होरो चढ़ियो आकाश। हरिदास संत जी कहिंदे ने रब ने तकड़ी फड़ के एक शाबे विच हरिमंदर पाया, दूसरे च स्वर्ग पाया जिन्हों लोग बेहिस्त कहिंदे ने। पर जेड़ा पासा भारा सी हेठां डिग पिया, जेड़ा हौला सी उपर चला गया, पाप के हरिमंदर साहब दे मुकाबले ते स्वर्ग की होया, बेहिस्त की होया। साध संगत एक वाली मौलाना जाफर अली जाफर इत्थे आए सन, बड़ा संसार दा महान व्यक्ति सी। उन्हें हरिमंदर साहब आण के एक गल लिखी, उस किताब च अजे भी मौजूद है। वो कहिंदा हरिमंदर की बुनियाद की ईंट, पाव के हरिमंदर साहब की नींह की इट, हरिमंदर साहब की बुनियाद की ईंट बताती है कि कभी मजहबों में दोस्ती मुस्कराई थी। साध संगत एक हाजी मस्कीन मुहम्मद होए हैं जे 50 साल मक्के विच रहे और लाहौर के जामपल सन। उन्होंने 5 साल 7 महीने ला के 9 मण ते 14 सेर चंदन लैके ओदे चो 1,45,000 चंदन दियां तारां कढ़ियां, चंदन दियां तारां ते 5 साल ते 7 महीने विच इक चौर साहब तैयार कीता, जिहड़ा 1925 विच लैके हरिमंदर साहब श्री अकाल तख्त साहब आए। 101 मोहरां नाल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों उन्होंने सम्मानित किया गया। 50 साल मक्के विच रहन वाला हाजी मुहम्मद मस्कीन फिर 2 लफ्ज बोलदा अकाल तख्त साहब के सामने खलो के। हाजी मुहम्मद मस्कीन जिहड़ा 50 साल मक्के विच रहा, जदों चौर साहब लैके आया उन्हें फिर 2 शब्द कहे। कहिंदा मैं अल्लाह नूं हाजर नाजर जान के कहिंदा हां, अल्लाह नूं मैं खुदा नूं हाजर नाजर जान के कहिंदा हां कि इस दुनिया विच जे को रब दा असल घर है तो वह सचखंड हरिमंदर साहब है, जे को दुनिया च असल घर है रब दा तो सचखंड हरिमंदर साहब है। कहिंदा इस सरोवर नूं आबे हयात नाल गुरु साहब ने भरिया होया है और मेरा पक्का विश्वास है कि हरिमंदर साहब की सिरजना उस खुदा ने आप कीती है। साध संगत मैं हुण एक बेनती करांगा, जेड़ा सारी मनुखता का सांझा घर है, जेड़ा परमेश्वर का घर है, जिथे हरि का मंदिर है, जेड़े भी जालम हकूमत हिंदुस्तान ते आई उसने पहली निगाह हरिमंदर साहब ते पाई, उन्हें हरिमंदर साहब जी की इज्जत आबरू नूं हथ पाया। भाई वीर से कहिंदे ने जदों डॉक्टर ने देखना होए ना ये बंदा मर गया के जिंदा है, उदों दी नब्ज नूं हाथ पा के देखता है, फिर उहदे दिल की धड़कन देखता है, जदों दिल की धड़कन बंद हो जाए डॉक्टर सिर फैर के कहिंदा ये मर गया है। भाई वीर सिंह प्रोफेसर पूर्ण सिंह वहां कहिंदे ने हरिमंदर साडा दिल है, जदों किसी जालम हकूमत ने यह वेख्या कि सिखां दे अंदरों गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का गुरु गोबिंद सिंह का खून मुक गया कि है, ये सिख मर गए ने कि जिंदे ने, उन्होंने साडे दिल नूं हाथ पाया, सचखंड हरिमंदर नूं हाथ पाया। जे जिंदे होए तो आ जाणगे, जे मर गए होण ते जे हरिमंदर साहब नूं हाथ पाया ये सिख भड़कण ना, ये सिख जोश च ना आवे, हरिमंदर की इज्जत नूं हाथ पाया, सिख मरन वास्ते मजबूर ना होवे, समझ लो कि ये सिख खत्म हो गए।
पर जदों जदों भी किसी ने हरिमंदर साहब की इज्जत आबरू नूं हाथ पाया इत्थे मस्से रंगर नूं बिठाया गया भी इज्जत आबरू नूं हाथ पा। दो सूरमे बीकानेर तो आए दिन दीवी मस्से रंगर का सिर लैके चले गए और मस्से रंगर का सिर नेजे ते टंगिया होया और उहदे जिहड़े छत्रे सी ना छत्रे वाल एडे एडे वह हवा च उड़दे हुए हवा नूं कह रहे सन ए हवा ए जिहड़े पासे भी जावेगी संसार दे लोकां नूं दस दी भी इन्हां दे हरिमंदर वल अख पुट के ना देखियो। साध संगत उस तो बाद एक नहीं कई हमले होए। अबदाली ने एक वारी उस तो बाद शहीद बाबा दीप सिंह दे वारी जहान खां ते तमूर शाह ने हरिमंदर साहब नूं हथ पाया। बाबा दीप सिंह ने अपना सिर बलिदान दिता सूरमिया ने। उस तो बाद 1762 ईस्वी नूं अहमद शाह अबदाली ने हरिमंदर साहब दीआं नीआं च बरूद तर के इहनूं सारे नूं उड़ा दिता। खालसा पंथ झल्लां विच बैठा सी जदों पता लगा बरूद ना उड़ा दिता है खालसा पंथ जोश उचाण के आपे तो बाहर होया। साध संगत पर पंथ दर्दियों ने आख्या कुछ जेरा करना चाहिए। 1762 नूं हरिमंदर साहब नूं उड़ाया गया 1764 नूं अबदाली दीआं फौजां नूं गिरफ्तार करके जस्सा सिंह आलूवाली होरां ने हरिमंदर साहब चो मिट्टी कढ़ा के कार सेवा करा के पंथ ने जस्सा सिंह आलूवाली कोलों नीह रखवा के हरिमंदर साहब की फिर सिरजना कर दिती। साध संगत उस तो बाद कई वारी सरोवर साहब के इशनान ते पाबंदी लगी। उस तो बाद महाराजा रणजीत सिंह का राज आया। जिस दिन महाराजा रणजीत सिंह तख्त ते बैठा ताजपोशी हुई लाहौर विच खालसे का बड़ा दरबार सजिया सी। महाराजा रणजीत सिंह ने उठ के आख्या खालसा जी ध्यान देना। महाराजा रणजीत सिंह ने उठ के आख्या खालसा जी 70 साल हो गए तुहानू जंगलां विच रहिंदिआं 70 साल हो गए तुहानू दरियावां दे चल्लां विच रहिंदिआं 70 साल हो गए कंडिआं ते सौंदिआं हुण दसो भी खालसे दा राज पा कायम हो गया है हुण दसो रणजीत सिंह खालसे दा सेवादार पहला गुरमता की पास करे। एक निहंग सिंह उठिआ उस निहंग सिंह उठिआ रणजीत सिंह जदों अहमद शाह अबदाली ने बरूद ला के हरिमंदर साहब दीआं नीआं च ला के उड़ा दिता सी तेरा दादा चढ़त सिंह दे असी दरियावां दे चल्लां विच बैठे सां। हरिमंदर साहब नूं ते कई वारी बेअदब कीता गया पर जदों सानू ते तेरे दादे नूं पता लगा चल्लां विच भी हरिमंदर साहब दी इमारत ही उड़ा दित्ती है पंथ बड़ा उदास होया। रणजीत सिंह जदों पंथ उदास होया तेरे दादे चढ़त सिंह ने खलो के आख्या सी जंगल दे चल्लां विच खालसा जी घबराओ ना खालसा जी डोलो ना बेशक अहमद शाह अबदाली ने बरूद नाल हरिमंदर नूं नीआं तो उड़ा दिता है पर याद रखो जदों खालसे दा राज आया असीं इस हरिमंदर नूं सोने च मर जांगे। उह निहंग सिंह आखण लगा रणजीत सिंह अज तेरा दादा नहीं रहा पर तेरे दादे दी इच्छा सी जो उन्होंने दसी और खालसा पंथ चढ़दी कला विच आया सी जकारे बुलाए। रणजीत सिंह पहला गुरमता यह करना चाहिए हरिमंदर साहब सोने च मर दिता जाए। रणजीत सिंह महाराजे ने पहला गुरमता यह किया कि हरिमंदर साहब सोने च मर दिता जाए और 64,11,000 रुपया उदो खर्चा हुआ। उस तो बाद अंग्रेज की हुकूमत आई अंग्रेजा ने भी साडे धार्मिक स्थान नूं गुलाम करन दी कोशिश कीती। साध संगत एक वारी अंग्रेजा ने प्रोग्राम बनाया कि हरिमंदर साहब की इमारत नूं सारे कंपलैक्स नूं नीलाम किया जाए ते तरीक रख दित्ती 30 अप्रैल 1877 कि 30 अप्रैल 1877 नूं हरिमंदर साहब नीलाम किया जाएगा। साध संगत जदों तुसीं दर्शनी डोड़ी तो अंदर जांदे हो ते खब्बे हाथ ध्यान मार के देखना सोने दे अखरां विच इक बात लिखी हुई है 23 अप्रैल 1877 नूं
जिस दिन नीलाम करना सी हरिमंदर साहब नूं अंग्रेजां ने भी इत्थे गिरजाघर इत्थे अंग्रेजां दा केंद्र बनाया जावे इत्थे गिरजाघर बनाया जावे उस वेले अमृत वेले पढ़ियो जाकर दर्शनी ड्यौड़ी तो बाहर खब्बे हाथ उस वेले 450 प्रेमी हरिमंदर साहब च बैठा होया सी। इतिहास कहिंदा भी उत्तरी ड्यौड़ी वाले पासे तो बिजली दी लिशक विखाई दित्ती वह बिजली की लिशक एक लकीर जी बन के अंदर आई 450 के करीब प्रेमी बैठा सी असमानी बिजली का एक गोला जहा बनिया ते गुरु ग्रंथ साहब के सामने ऐन फट गया एडा वड्डा खड़ाक आया जिवें बहुत वड्डा नुकसान होएगा पर इतिहास कहिंदा भी एक धागे का भी नुकसान नहीं होया पवित्र धागे का और किसी जातरू का नुकसान नहीं होया सारे गुरु रामदास जी का चमत्कार कहिंदे सन ते अंग्रेजा ने कड़ा प्रसाद दे करावे तौबा तौबा कीती वगे तो यह नहीं करांगे। साध संगत 222 साल बाद फिर सचखंड हरिमंदर साहब से 1984 नूं अटैक किया गया। साध संगत ने विस्तार विच नहीं जाना 1 जून 1984 नूं CRP ते BSF ने 12:40 ते गोली शुरू की 7:30 शाम तक अन्ना धुंद गोली चलाई 11 सिंह शहादत प्राप्त कर गए भाई महंगा सिंह बब्बर 4 सिंह संतां दे शहादत प्राप्त कर गए तकरीबन कुछ यात्री पा के बलविंदर सिंह श्रोमणी कमेटी का इंस्पैक्टर यह 11 सिंह शहादत प्राप्त कर गए भाई महंगा सिंह के 4 सिंघां का संस्कार संतां ने ते लौंगोवाल जी ने बाकी तौड़ा साहब ने बाकी पंथ दर्जियां ने मंजी साहब दे कोल ते लंगर साहब दे कोल संस्कार कर दिता। 2 तरीक नूं फिर अंधा धुंद गोली चलाई गई 3 तरीक नूं जिहड़ा जनरल बराड़ KPS बराड़ जिहड़ा है KS बराड़ कलदीप बराड़ जिहड़ा है वह पुस्तक लिखता है कहिंदा 3 जून नूं मैं कुछ पत्रकार अंदर कले कुछ अखबारां दे कुछ विदेशी पत्रकार अंदर कले उन्हां दी संत जरनैल सिंह नाल उन्हां ने मुलाकात कीती इंटरव्यू लई और पत्रकार संत जरनैल सिंह नूं आखण लगे कि राती इंदिरा गांधी ने रेडियो ते भाषण दिता है संत जी की तुसा सुनिया है कहिंदे ने जनरल बराड़ आप लिखदा पत्रकार कहिंदे ने संतां ने पूरी चढ़दी कला नाल जवाब दिता इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री का ना भाषण मैं सुनदा ना मैनूं सुन दी लोड़ है जो कुछ कहिंदी है सानूं पता है जो उहदी नीयत सानूं पहलां ही पता है। पत्रकारां आख्या जी फौज ने घेरिया होया है जे फौज हरिमंदर साहब के अंदर आ गई तो मेरा ख्याल है तुहानूं आत्म समर्पण कर देना चाहीदा तां कि खून खराबा ना होवे। संत पिंडरां वाले संत जरनैल सिंह जी आखण लगे आखण लगे जे फौज ने हिम्मत की हरिमंदर साहब के अंदर आने की तो सबक वो सिखावे जेड़ा जन्मा तक याद करते रहन। पत्रकार आखिया भी की तुहानूं मौत तो डर नहीं आता कि मर जाओगे संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले आखन लगे मैं मौत तो नहीं डरदा सिख कोई भी मौत तो नहीं डरदा जेड़ा डरदा है वह सिख नहीं हो सकता। 3 तरीक नूं अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर गुरदेव सिंह ने जनरल बराड़ का जदों रवैया वेखिया भी इहदा रवैया ठीक नहीं तो जनरल बराड़ के जो शब्द हैं मैं शब्द दस नहीं सकता उन्हें शब्द वरतिया DC साहब अगे गुरदेव सिंह DC अगे कहिंदा ये जिहड़े अंदर बैठे हैं 2 घंटों के गोडे टेक जाएंगे 2 घंटों में। DC साहब गुरदेव सिंह ने आख्या बराड़ साहब यह गल मैं विश्वास करने कहना कि संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वाला आत्म समर्पण नहीं करेगा वो हथियार नहीं सुटेगा। DC गुरदेव सिंह का पंथ रेनी है DC गुरदेव सिंह ने आख्या बराड़ साहब मैं विश्वास ना कहना हरिमंदर साहब दे विच बैठे संत जरनैल सिंह जी हथियार कदे नहीं सुटणगे आत्म समर्पण नहीं करनगे। जनरल बराड़ लिखता है वह कहिंदा मैं क्या DC साहब जदों टैंकां दी खड़खड़ दी आवाज आउंदी है
जदो हवाई जहाज गड़गड़ाते हैं, हवाई जहाजा की गड़गड़ाहट, टैंक जदो खड़खड़ करते हैं, तोपां दे गोले गड़कते हैं, मैं बड़े बड़े वड्डे जरनैल कंबदे देखे। देखियो जदो बंब बारी होगी किदां बाहर आते हैं अपने आप, किदां असीं सौखे तरीके नाल उन्हां नूं गिरफ्तार करते हैं। साध संगत डीसी साहब गुरदेव सिंह 15 दिन की छुट्टी दे के चला गया, जो बराड़ अपनी हरकतों तो बाज ना आया, अपने बयान तो ना बदलिया। गुरदेव सिंह डिप्टी कमिश्नर ने पंथ दर्द लैके हरिमंदर साहब की बदबी अखां नाल ना देखा 15 दिन की छुट्टी दे चला गया। साध संगत 4 जून की रात को, 3 जून को भी अंधाधुंध गोली चलती रही, 4 जून को सारी रात 3 वारी कोशिश की थी कि भी कमांडो दे दस्तियां नूं अंदर कल्या जाए, जिन्हां नूं गोली नहीं लगती, कदे उस दरवाजे कदे दक्षिणी दरवाजे, पर 3 वारी जनरल सुदेव सिंह दी व्यौंतबंदी ने संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वाले दी जुरत वाले शब्दों ने साध संगत 3 वारी हिंदुस्तान के कमांडों के मूँह मोड़ दिते और एक भी कमांडो बाहर जिंदा नहीं जान दिता। फिर हवाई जहाज के राही हैलीकॉप्टर के राही कमांडर उतारन की कोशिश की, उन्हां सिंघां चों एक सिंह अजे भी जीवित है जिहड़ा साध संगत जोधपुर जेल भी कट के आया। वह कहिंदा उस वेले जदों हैलीकॉप्टर के राही कमांडर उतारन की कोशिश की गई, कहिंदा वह सिंह अजे भी जीवित है। वह कहिंदा असीं लंगर वाले मोर्चे ते बैठे सां, कहिंदा भाई मरीज सिंह साडे मोर्चे विच आए सन, राह साडा पता लैण। शहीद भाई मरीज सिंह ने आ मशीन गन फड़ी और सिंघां ने उस जहाज के उत्तों भी कमांडो नहीं उतरन दिते, इन्हां दी 4 तरीक नूं भी हार होई। 5 तरीक की रात नूं फिर यह जिहड़ा जनरल के सुंदर सी, जनरल बरार ने आख्या के सुंदर जी याद रखो जे इसे तरह हुंदा रहा ते जिहड़े अंदर जुझारू बैठे ने सारी हिंदुस्तान की फौज इन्हां दी बली दे बकरे बन जाएगी, एक भी फौजी जिंदा नहीं रहेगा और अंदर काबज नहीं होवांगे। जे इत्थे टैंक ते तोपां ना आईआं ते असीं अपने मिशन च सफल नहीं होवांगे। फिर के सुंदर ने दिल्ली तो इंदिरा कोलों मंजूरी मंगाई टैंकां दी, टैंक ते पहले आए हुए सन, सिर्फ आगे आउण दी लोड़ सी। 5 तरीक नूं रात 11 बजे दे करीब पहला टैंक मंजी साहब दे हाल अगों दी गया, थम होण करके ना लंघिया, पर लंगर साहब के अगों की ड्योड़ी तोड़ के जिहड़ी है वह फर्श तोड़ के पौड़ियां तोड़ के टैंक अंदर लंघाए गए। सारी रात बंबबारी होंदी रही, सारा साध संगत सिंह गुरु के सुर में डटे रहे और एक भी जीवित ना छड्डिया। साध संगत अद्धी रात वेले जनरल सुदेव सिंह किसी मोर्चे विच टैंकां का मुकाबला करन वास्ते सिंघां नूं कुछ सिखाउण गए सन, उस वेले एक ब्रश्ट वज्जा, जनरल साहब जी की खब्बी बांह ते एक पासा छननी छननी हो गया। उस वेले हथियार हाथ विच सी मशीन गन, अकाल तख्त साहब के भोरे विच वापस आए, संतां ने देखिया जनरल साहब बुरी तरह जख्मी हो गए ने, संतां ने ते भाई मरीज सिंह ने सहारा दे के उन्हां नूं मंजे ते हेठां लटाया ते जनरल सुदेव सिंह जी आखण लगे महापुरखो, भाई मरीज सिंह जी फैडरेशन वाले मुंडियां नूं आखण लगे लियाओ वड्डियां वड्डियां पट्टियां, जनरल सुदेव सिंह जी आखण लगे प्रधान साहब हुण पट्टियां दी लोड़ नहीं, मेरा ख्याल है कि गुरु साहब ने मेरी सेवा जिनी लैनी सी लै ली है, हुण मेरी शहादत की तैयारी हुण मैनूं पट्टियां ना कीतियां जाण। जनरल सुदेव सिंह ने आख्या महापुरखो वेख लो मैं हथियार लैके तुहाडे को इस इच्छा नाल वापस आया कि अंतम मेरी शहादत गुरु हरगोबिंद साहब के चरणों ते तुहाडे अंतम दर्शन करके होवे। संत महापुरखो अरदास करो खालसा पंथ की सेवा कर दें, मेरे को पुल हो गई होवे, गुरु माफ करे। संत बाबा जरनैल सिंह ने एक शब्द पढ़िया, हौली जी शब्द पढ़िया, उस तो बाद छोटी जी अरदास की, जनरल सुदेव सिंह जी कौम की सेवा करते शहादत हो गए। सारी रात टैंकां की बमबारी चलती रही, श्री अकाल तख्त साहब नूं टह ढेरी कर दिता गया, थम भी डेग दिते गए, केवल सरिये लभदे सन। साध संगत ज्ञानी प्रीतम सिंह जी हैड ग्रंथी होए ने श्री अकाल तख्त साहब दे, उन्होंने गुरमत प्रकाश एक बारी लेख दिता सी, कहिंदे ने अकाल तख्त साहब दे कोल इक छोटा जिहा कमरा सी,
असि उस कमरे च बैठे सा, मैं ते मेरे दो सेवादार। कहिंदे ने भाई अमरीत सिंह जी 6 बजे उस बाथरूम च आए। भाई प्रीतम सिंह सिंह साहब नूं भाई अमरीत सिंह ने आण के फतेह बुलाई ते सिंह साहब ज्ञानी प्रीतम सिंह जी टकसाल च पड़े हुए सन। ज्ञानी प्रीतम सिंह जी आखन लगे, भाई अमरीत सिंह जी हुण दसो तुहाडा की प्रोग्राम है, संतां दा की प्रोग्राम है। सारी रात टैंकां दे तोपां ने गोलाबारी बंद नहीं कीती, सारी रात काल तक साहब नूं ढह ढेरी करदे रहे ने, हुण तुहाडा प्रोग्राम की है। कहिंदे ने भाई अमरीत सिंह शहीद ने चढ़दी कला दे जवाब दिता, सिंह साहब जी फिकर ना करो, साडा प्रोग्राम बन गया है। संत बाबा जरनैल सिंह जी 8 बजे अपने नितनेम तो उठणगे, पोरे विचों 8 बजे उठणगे नितनेम करके, और 8:30 बजे संत बाबा जरनैल सिंह अपनी शहादत दी आप अरदास करनगे। शहीद भाई अमरीत सिंह ने हस के आख्या, सिंह साहब ज्ञानी प्रीतम सिंह जी 8:30 बजे शहीदी की अरदास करांगे। सिंह इस तरह भोरे चो निकलेंगे जिवें बब्बर शेर बेले विचों निकलदे हन। वेखियो इस कमरे विचों किवें असीं निकलदे हां। साध संगत जदों 6 बजे ते उह सिंह अजे भी जिंदा है जिहड़ा कहिंदा मैं उस वेले कोल सां, उहने आखिया मुख्तियार सिंह, उस सिंह दा नाम है, उह कहिंदा संत बाबा जरनैल सिंह ने अपने पीर अरशपाल सिंह नूं आखिया, अरशपाल सिंह रियादियो दी खबर सुन भी करफ्यू बारे की आख्या जांदा है। अरशपाल सिंह ने आख्या जी अगे करफ्यू सी 6 बजे तक, हुण गवर्नमेंट ने वधा के 9 बजे तक कर दिता है भी 9 बजे करफ्यू खुलेगा। संत आखन लगे फिर 9 बजे करफ्यू खुलेगा, 9 बज गए कुछ मिनट ते असीं शहीदी प्राप्त करांगे। सिंघां नूं आखन लगे, भाई जिन्हें शहीद होना वह साडे नाल तैयार हो जाओ, बाकी जिन्हें बाहर जाना बाहर चले जाओ। उन्हां विचों केवल एक ही पचंगी रह गया सी 14 सालों का, जिन्हां नूं संतां ने आख्या भी इन्हां नूं यात्रुआं दे कमरे च छड्ड आओ। साध संगत जिहड़े सिंघां नूं मुकदमा नहीं सी उन्हां नूं संतां ने तोड़ दिता। फिर 9 बज गए कुछ मिनट ते संत अपने 35-40 सिंघां दे समेत इस तरह निकले श्री अकाल तख्त साहिब। पहली मंजिल ते आ गए हरहार हरगोबिंद साहिब महाराज 6वें पातशाह मत्था टेके शहीदी दी अरदास करके छोटी जी। साध संगत इस तरह निकले निशान साहबा नूं। साध संगत उस वेले जिहड़ी फौज सी उस वेले दीवारां दा ओला लै लै के फायरिंग कर रहे सी, पर 35-40 सिंह जिहड़े संतां दे नाल सन, भाई अमरीत सिंह होरी दे संत, उन्हां ने श्री अकाल तख्त साहिब दे अगे खुले मैदान विच फौजां दा मुकाबला कीता और फौजां दे ढेर लगे हुए सन। जिन्हें सिंह सन वह भी शहादत प्राप्त कर गए। भाई अमरीत सिंह अजे जख्मी से, उन्हें 2 सिंह गए लैके कमरे श्री अकाल तख्त साहब के कोल। भाई अमरीत सिंह ने जख्मी होया बाहर देखिया, भाई अमरीत सिंह ने आख्या, सिंघो पाणा वापर गया है, संत शहादत प्राप्त कर गए। भाई अमरीत सिंह ने आख्या, सिंघो पाणा वापर गया है, संत शहादत प्राप्त कर गए हैं। जिस प्यारे से न्योत सागा मर चली है, त्रिग जीवन संसार ताके पासे जीवना, त्रिग हुण साडा जीवना। भाई अमरीत सिंह ने अपनी थामस गन लै के उस वेले रींगदे हुए बाहर आए, जख्मी हालत विच आए। जब आव कियो निदान बने अत ही रण मैं तब जूझ मरूं, बाहर आए और बाहर आण के उन्होंने खुले मैदान शहादत प्राप्त की। साध संगत उन्हां दे महान कारनामे नूं सदा वास्ते याद किया जाएगा। पर मैं एक बेनती करा, उस तो बाद जो कुछ साडे नाल कीता गया, रेफरेंस लाइब्रेरी नूं अग लाई गई, हरिमंदर साहब दे 250 गोलियां दे निशान सन। साध संगत जिहड़ा भी लब्भा उन्हूं उहदियां पग्गां नाल बाहां बन बन के गोलियां नाल दाणियां वांग पुन दित्ता गया। जिहड़े सिंघ जीवित सन उन्हां नूं हस्पतालां च जा के भी गोलियां नाल पुन्निया गया। साध संगत मैं पंथ नूं बेनती करांगा, आप च एकता रखो, इतफाक रखो, जिहड़ी इह जंग जित्ती गई है, जंग जित्ती सी खालसे ने। साध संगत टैंकी ते इन्हां दी हार होई, इन्हां दी लंगर ते हार होई, इन्हां दी परिक्रमा च हार होई, इन्हां दे श्री अकाल तख्त साहिब जी ते हार होई। जदों को सिंघ अपने निशाने दी पूर्ती लई सिर कुरबान करदे उस वेले पंथ दी जित हुंदी है। साध संगत
मैं हम बेनती करा जनरल बरार अपनी कलमना लिखता है जेड़ा कहिंदा सी ना दो घंटे दे गोडे टेक जाणगे। जनरल बरार कहिंदा मैनू कहना पैंदा है सानू कहना पएगा कि जिस दृढ़ अरादे दे नाल संत जरनैल सिंह दे ओहदे सिंह मोर्चे दे डटे रहे जिस हाथ नाल ते जिस दलेरी नाल उन्होंने भारतीय फौजां दा मुकाबला ते टैंकां दा मुकाबला कीता संत जरनैल सिंह रातों रात हिंदुस्तान ही नहीं सारे संसार के महान सूरमे दे सूरमा होके नितरिया। साध संगत जनरल बरार कहिंदा है साध संगत मैं इस करके नौजवानों नूं बेनती करदा हुण शांत रहना चाहीदा शांत इस करके जिहड़ी साडे दे भाजी चाढ़ी सी ना जिन्हां ते साडे दे भाजी चाढ़ी सी ओह साडे सूरमियां ने खालसा पंथ का मन ठंडा कर दिता है। भाई सतवंत सिंह भाई बेअंत सिंह भाई हरजिंदर सिंह भाई सुखा सिंह भाई बाबा केर सिंह साडे नौजवानों नूं शांत रहना चाहिए। पहलियां भाजियां ला दित्तियां ने जगो जगो अगों को चाड़ेगा फिर वेखी जाएगी। नौजवानों हुण शांत रहो शांत रहो तरक्कियां करो करो पढ़ो लिखो विद्या विच अगे निकलो संसार दे झंडे चलाओ हुण अपनी विद्या दे। ये बाजी ये जिहड़ी जित सी उह पंथ ने जित ली है अगों जदों फिर को भाजी चाड़ेगा फिर जितांगे। साध संगत टाइम दे रह गया थोड़ा पर मैं एक बेनती करांगा कि एक बारी चरण से सफरी दे नाल मैं तीन दिन रहा वो कवि बड़ा व्याग ऐन प्यार ते विरागना भरिया होया सी। चरण से सफरी ने मैनू एक कविता सुनाई जिहड़ी मैं उन्हां कोलों लिख ले जदों हद्दों वध अत्याचार होवे रब दे कोमल कवि भी पड़क उठदे हन। कवि सफरी जी ने जिहड़ी कविता सुनाई वो सारे शहीदां नूं समर्पित है जां कोई लड़के शहीद होया जां कोई उस तरह जातरू शहीद होया गुरु अर्जन साहब का शहादत दिहाड़ा मनाउण लई जिहड़े आए सन जिहड़े मैं चार पंक्तियां चार लाइनां पढ़ लगा सफरी जी दियां वो सारे शहीदां नूं समर्पित हन। ये बाजी एवें नहीं दित्ती गई सफरी जी कहिंदे ने साडा गौरवमई इतिहास है। तेरे खंडे बाटे अमृत दी दाता तसीर नारी तेरे खंडे बाटे अमृत दी दाता तसीर नारी सिखी नूं खत्म करें दी लई हर कुटल हुकूमत हारी पर भारत दे विच हाली भी सिंघां दा पलड़ा भारी वारी सिर सिंगो सिर देवो सतगुर ने तेरे वारी एक सिंह सभा विच कूक पियाए वारी मेरी वारी ए कौम मुकाया नहीं मुकदी पर जबर अजे भी जारी तेरे खंडे बाटे अमृत दी दाता तसीर निवारी ए अमृत पीता खंडे दा नहीं कदे अकारथ जा सकदा नहीं जाच अटक नू वडकन दी सिंह अटक नू भी अटका सकदा बिरशां दे पत्तर खा के भी सिंह मौत डैन नू खा सकदा मस्सा रंगड़ हर मंदर नाची दा नाच नचा सकदा ओदी कबर तो जाके पुछ लवो असी रकम किस तरह तारी तेरे खंडे बाटे अमृत दी दाता तसीर निवारी सिंह जदों नी मौज च आउंदे तां मेरां दी वर्षा कर देंदे जितियां होईयां सल्तनतां ए मुड़ वापस परता देंदे हरमंदर इन्हां दा ढाए कोई सब कुछ ओहदा ढा देंदे तलवार पकड़ के कुल लेखा ओहदा सने व्याज चुका देंदे इन वरी सतारी दौर दी जा लंडन भुगत सवारी तेरे खंडे बाटे अमृत दी दाता तसीर निवारी। आखिरी वचन पढ़ के समाप्ति करिए सिर लथ वतन दे नौजवान अज जेलां दे विच ताड़े गए संताली विच सिंह उजड़ गए फिर विच चौरासी जाड़े गए
ननकाने वाले साके तो भी वद के पड़े पहाड़े गए। उदो इको लक्ष्मण सड़िया सी हुण हजारां लक्ष्मण साड़े गए। भारत दे फिरकू टोले ने सन मारी जरब करारी ए। तेरे खंडे बाटे अमृत दी दाता तसीर नियारी ए। हुण तुहानू एक बेनती है, कन्नी कतरावो ना सिंगो हुण खोल समेंदे कान दो। हिम्मत दा मारो बन कोई जालम दा बिस्तर बन दो। जे सिख हो तेग बहादर देते दसों पिता नू मान दो। आरा ना सीस फरावो हुण यारे दे दंदे पन दो। सफरी हुण बिपता नहीं सहनी असी पहला बड़ी सहारी ए। सफरी हुण बिपता नहीं सहनी असी पहला बड़ी सहारी ए। तेरे खंडे बाटे अमृत दी दाता तसीर नियारी। तेरे खंडे बाटे अमृत दी दाता तसीर नियारी। और जी भाई साहब जी रसना तो हुण शब्दी अर्थ श्रवण करिए जी। हां सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सूही महला पंजेवा। अब चल नगर गोबिंद गुरु का, नाम जपत सुख पाया राम। अब चल कहंदे ने ओ परमेश्वर जेड़ा अब चल है ओने इस शरीर नो महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने जिन्ने नाम जपया जिन्हें उदा सिमरन कीता उदा शरीर अब चल नगर बन गया। परमेश्वर ते गुरु ने उनु अब चल नगर बना दिता। मन इच्छे से ही फल पाए करता आप वसाया राम। जेड़े नाम सिमरदे ने ओ मन इच्छित फल प्राप्त कर लेंदे ने। उन्हां दे इस शरीर रूपी नगर नु परमेश्वर आप ही वसंदा है। करता आप वसाया सर्व सुख पाया पुत भाई सिख बिगासे। जिन्हां दे शरीर रूपी नगर नु परमेश्वर आप वसा दे गुरु दे पुत भी सुख पाउंदे ने, गुरु दे सिख भी पुत पाउंदे ने, गुरु दे संबंधी भी सुख पाउंदे ने। गुण गावे पूरन परमेश्वर कारज आया रासे। हर वेले परमेश्वर दा गुण गाउंदे रहंदे ने उहनां दे सारे कारज रास हो जांदे ने। प्रभ आप स्वामी आपे रखा आप पिता आप माया। जिहड़े प्रभु दा सिमरन करदे ने प्रभु उहनां दा आ मालक बनदा है। परमेश्वर आप ही उहनां दी माता दी आप ही पिता बनदा है। कहो नानक सतगुर बलिहारी जिन एहो थान सुहाया। हजूर कहंदे ने मैं अपने गुरु तो वारी वारी जाना हां जिन इस शरीर नूं सोहना बना दिता है। घर मंदर हट नाले सोहे जिस विच नाम निवासी राम। पासा नगर विच घर भी हुंदे ने बाजार भी हुंदे ने सारे ज्ञान इंद्रिय हुण सोहने बन गए ने जिस विच रब ने अपने नाम दा वासा कर दिता है जी। संत भगत हर नाम आराधे कटिए जम की फासी राम। इस नगर विच बैठ के प्रभु दे संत दे भगत ओदा नाम सिमरन करदे रहंदे ने उहनां दे जमां दी फांसी कटी जांदी है जी। काटी जम फांसी प्रभ अविनाशी हर हर नाम ते आए। उन्हां दी फांसी कटी जांदी जमा वाली जेडे प्रभु दा नाम ते आउंदे ने जी। सगल समगरी पूरन होई मन इच्छे फल पाए। जमा दी फांसी कटन वास्ते जेडी समगरी चाहीदी है उन्हां कोल पूरी हुंदी है उन्हां नूं मन इच्छित फल प्राप्त हुंदे ने। संत सज्जन सुख माने रलिया दुख दर्द भ्रम नासी। जेडे प्रभु दे संत प्यारे सज्जन हन ओ रंग रलियां मानदे ने पाव के सुख मन दा आनंद मानदे ने। हर नाम त्याए प्रभु दा नाम त्याउंदे ने उहनां दे दुख दर्द परम सारे नाश हो जांदे ने। शब्द सवारे सतगुर पूरा नानक सद बल जासी। हजूर आखन लगे जिन्हां नूं पूरे गुरु ने अपने शब्द च ला के सवार दिता है नानक उहनां तों वारे वारे जांदा जी। दात खसम की पूरी होई नित नित चढ़ै सवाई राम। जिन्हां ते परमेश्वर दी पूरी बख्शिश होवे उहनां नूं जिहड़ी नाम दी दात मिलदी है नित ही ओह सवाई पाल के वधदी जांदी है। पार ब्रह्म खसमाना किया
जिस दी वड़ी वड़ियाई राम। वो परमेश्वर जेड़ा बेअंत है अपने सेवक ते आप ही मेर पर हाथ रखदा है। आद जुगाद भगतन का राखा सो प्रभ भया दयाला। वो परमेश्वर आज गाल तो लेके अपने भगतां दी राखी करदा आया है। वो प्रभु अपने भगतां दी दया करन वाला है। जी जंत सब सुखी वसाए प्रभ आपे कर प्रतिपाला। सारे जी जंत जिन्ने भी ओहदी शरण विच आउंदे ने सारे जी जंतां नूं सुखी रखदा है, उहनां दी प्रतिपालना करदा है। जी तह दिस पूर रहिया जस स्वामी कीमत कहन न जाई। उस परमेश्वर दी दसां दिशावां विच शोभा ते जस कीर्ति फैली हुई है, ओदी कीमत आखी नहीं जा सकदी। कहो नानक सतगुर बलिहारी जिने अब चलनी वरखाई। हजूर आखन लगे मैं उस गुरु तो वारे वारे जानना जिन्ने इस नाम दी नी रख दीती जिहड़ी सदा अटल रहेगी। ज्ञान ध्यान पूरन परमेश्वर हर हर कथा नित सुनिए राम। महाराज कहिंदे जिहड़ा परमेश्वर नाल सांझ पा लैंदा, जिहड़ा ओहदे नाल अपने अंदर ध्यान जोड़ लैंदा है, ओहदे अंदर हर वेले यही कथा चलदी रहिंदी है। जी अनहद चोय भगत पव पंजन अनहद वाजे धुनिया राम। महाराज आखन लगे उन्हां दे अंदर इक रस वाजे वाजदे रहिंदे ने। महाराज आखन लगे उन्हां दे अंदर नाम दी सिफसला चलदी रहिंदी है। अनहद चुनकारे तत बीचारे संत गोष्ट नित होवे। उन्हां दे अंदर संतां दी पावक प्रभु दे प्यारें दी सिफसला दी गोष्ट चलदी रहिंदी है। उन्हां दे अंदर इक रस सिफसला हुंदी रहिंदी है। हर नाम आराध है मैल सब कट है किल विख सगले खोवे। जिहड़े परमेश्वर दा नाम जपदे ने ओह अपने अंदरों पापां दी विकारां दी मैल कट लैंदे हन। जी तह जन्म न मरना आवन जाना बाहुड़ ना पाईए जूनिया। ओह दुबारा जन्म मर ते मरन दे गेड़ विच नहीं आउंदे, उन्हां नूं संसार ते आउणा जाणा नहीं पैंदा, गेड़ मुक जांदे हन। जी नानक गुर परमेश्वर पाया जिस प्रसाद इच पुनिया। महाराज आखन लगे असी उस परमेश्वर नूं पा लिया है जिहड़ा सारियां इच्छावां पूरियां करन वाला है। जी तह जन्म ना मरना आवन जाना बाहुड़ ना पाईए जूनिया। नानक गुर परमेश्वर पाया जिस प्रसाद इच पुनिया। तन तन श्री गुरु रामदास महाराज, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, गुरु के संगतां दा सारयां दा धन्नवाद। सचखंड हरिमंदर साहब जी दे सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह हैड ग्रंथी साहब प्रधान साहब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पंथ नूं बेनती है भाई सारे ऐन प्रेम दे नाल इस दिन नूं मनाइए। फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।